जी जनाब। हेलो, हेलो। एम आई ऑडिबल? नहीं ओके भाई, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुन लो। सुनाओ। मैं कोई मौलाना नहीं, ना मैं मदरसा ठीक जाता है, हूँ, झूठे ना हो तुम, वहाँ झूठे हो तुम, झूठे हो तुमने। ना मुफ्ती मौलाना रखा, झूठे हो पर ना। आई एम मुस्लिम, आई एम मुस्लिम। हाँ तो झूठे हो, झूठे मुसलमान हो। देखो तुमने अपना नाम क्या रखा हुआ, मुफ्ती मौलाना, तो झूठे मुसलमान हुए ना, नहीं, झूठे तुमको बंदे थोड़ा हुए। मुफ्ती, नहीं यार, मुफ्ती से थोड़ा ज्यादा तुम्हें प्यार है ना। मैंने सोचा मुफ्ती लगाऊंगा तो नहीं तुम डायरेक्ट ऐड नहीं करोगे। मैं ऐड ही नहीं करूंगा। जिसने अपना कैमरा माइक छुपाया हुआ, मुफ्ती मौलाना कहा, बाबा जी का ढुल्लू है। तुम्हें तो मैंने एक्सपोज करने के लिए ऊपर लिया है लाइन में, तुम लाइन में आए हो तो। लेकिन हो तुम झूठे, पता लग गया, इस्लाम झूठ बोलना सिखाता है, तुम झूठे हो। नहीं भाई, मैंने पहले ही बोला ना, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। वही तो मैंने कहते, पहले ही बोला नाम तुमने मुफ्ती झूठा रखा ना। है। अरे भाई, वो मैंने सोचा तुम ऐड करोगे इसीलिए हाँ तो वही बस। ना, झूठे हुए हो ना। अच्छा यार, जो तुम समझो यार। चलो भाई तुम मुझसे अच्छा सुनाओ। भाई, तुमने एक बात की थी ये जो जन्नात के ऊपर। हाँ, जरा तुमने कहा था कि आयतल कुर्सी सुना जो, दो पहले, हाँ, आयतल कुर्सी सुना दो पहले। आयतुल कुर्सी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क्वय्यूम, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, मन ज़ल लज़ी यशफ़ौ इन्दहु इल्ला बिइज़्निही, या'लमु मा बैन अय्दीहिम व सुभान मा अल्लाह, ख़ल्फ़हुम सुभान अल्लाह। खत्म हो गई सर आपकी आयतुल कुर्सी। इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सी समावाति वल अर्ध वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। बहुत ही सूरह घटिया तरीके अल्लाह, सुनाई है, अगर किसी मौलवी के सामने भी सुनाते तो एक आधी चपेट बढ़ जाती। मतलब गलत सुनाई है तुमने, कोई 10 गलतियां कर दी है एक ही आयत के अंदर। यार, मैं मुस्लिम हूँ, मैंने ठीक सुनाई है, वो तो कहाँ गलती हुई है। कई जगह पे गलती भी, रिवाइंड करके सुन लेना, अपने मौलाना को सुनाना, वही तुम्हारी छिल उतारेगा। क्या कहना है तुमने? हाँ भाई, आपने सुना ना मेरा इंट्रोडक्शन। मैं उस इस्लाम के बारे में उतना नहीं जानता था, लेकिन फिर इंट्रोडक्शन से भी। आगे बोलेगा। अच्छा ठीक है, तो आपने कहा था जिन्नात के बारे में। आदम भाई, आपसे एक बात करनी है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस, यू कैन नीदर प्रूव, यू कैन नीदर डिसप्रूव द कंसेप्ट ऑफ द जिन्नात। पहला पॉइंट, यू कैन नीदर, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस, यू कैन एज नीदर फार प्रूव नॉर डिसप्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एज वेल। अल्लाह को छोड़ दे यस, दैट इज ऑल्सो राइट, दैट इज ऑल्सो राइट, आई तो भाई, एक्सेप्ट अल्लाह को दैट। छोड़ देना, छोड़ दे, अपंगता है। वट आई सेड, अगर तूने दैट आई सेड यू साइनस पे जाना कैन, है, अगर तूने साइनस पे जाना है तो साइनस के मुताबिक तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड भी जो है ना, प्रूव और डिसप्रूव नहीं हो सकता, अगर तू साइनस पे जाता है तो। तो आपने मेरी बात अच्छी तरीके से नहीं सुनी यार। लेकिन मैं कह अगर रहा था तू कि साइनस पे जाता है तो साइनस कहती है कि ये सारी की सारी जो सलमान की कहानी है, ये सारी की सारी 2 नंबर अपोक्रिफा अकाउंट्स हैं जो कि वर्बली वहां पे बोले जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, आदम, सलमान की रिंग, द सील ऑफ सोलोमन, सील ऑफ सोलोमन का जहां से आप लोगों ने चोरी की है तोरा में, कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हमें 2nd सेंचुरी की कुछ राइटिंग्स मिलती हैं जिसके अंदर सील ऑफ सोलोमन का जिक्र किया हुआ है, और मोहम्मद ने वो वाली लोगों की कहानियां सुनी, सैनस की बात कर रहा हूं मैं, तो वो वाली कहानियां सुनी और अपनी कुरान के अंदर डाल दी। अब ये जो कुरान के अंदर उसने डाली है सैनस से जो प्रूव नहीं होती, तो सैनस प्रूव ये जरूर करता है कि ये अपोक्रिफा अकाउंट्स हैं जो के 2nd 3rd सेंचुरी के अंदर बोले जाते थे, क्योंकि यहूदियों को वहां से निकाल दिया गया था, तो वो अपने बच्चों को फेरी टेल सुना सुना के खुश करते थे कि भी हमें यहां से निकाल दिया गया है, हमारा इतना बुरा असर हुआ है और ये रोमन ने हमारे साथ ये कर दिया है, तो चलो इनको इनको समझाने के लिए, इनको खुश करने के लिए रात को सोने से पहले बेड टाइम स्टोरी सुनाया करते थे वो। उसके अंदर सील ऑफ सुलमन थी और वो मोहम्मद ने जब सुनी उसने अपने कुरान के अंदर डाल दी। तो ये सैनस तो ये कहती है, अब मैं क्या करूं? आदम मेरी बात सुनोगे ना? 1 मिनट मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात सुन के जवाब दिया, और किसके, बाबे जी के जवाब दिए मैंने। अब मेरी बात सुनो, मैं आया था कुछ देर पहले, मैंने सुना था एक भाई आया था, शायद उमर नाम का। बढ़िया, उसको आपने ये किया, मैं लेकिन मुझे थोड़ा, तेज अच्छा तेज बोल यार, ठीक है, मैं बाकी तेज लोग तेज भी बोलता लाइन हूँ। में, लाइन में खड़े हैं, पलवेल भी जाना है ओके मैंने ओके कल। ओके ओके, सॉरी सॉरी। तो उमर नाम का लड़का आया था, आपने उसे कहा था कि जो जिन है वो कैसे पानी पी सकता है, और अगर वो पानी पिया पूरा समंदर उसने गायब किया, उसकी विरत क्या होगी, उसकी ब्रत क्या होगी।
आदम मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने पहला स्टेटमेंट क्या बोला तुमने, तुम्हें यू कैन इधर प्रूव यू कैन इधर डिसप्रूव द कंसेप्ट ऑफ जिन्स। तो अगर तुम उसको प्रूव नहीं कर सकते, तुम इसको डिसप्रूव भी नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इसको इलॉजिकल कहना। मेरी बात क्यों समझ हक रहे नहीं हो? बनता? बिल्कुल करता है। क्यों बनता है? क्योंकि जो आपकी जो सेनस है, जो सेनस वाली जो आप कहानी दे रहे हैं, जो मैं नहीं दे यस रहा हूं, उस सेनस वाली कहानी के अंदर दिस इज स्टुपिडिटी। अब मैं अच्छा सेनस अच्छा की ठीक बात है। कर रहा हूं। अब स्टुपिडिटी मैं कैसे है कि साइंस सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सेनस कॉन्सेप्ट ऑफ जिन को तो अगर जैसे प्रूव और डिसप्रूव नहीं कर सकती, ठीक है, आई एग्री विद यू, मगर एट द सेम टाइम सेनस ये जरूर प्रूव कर सकती है कि कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो पूरे समुद्र का पानी पी जाती हो, पूरे दरिया का पानी पी जाती हो। ये सेनस प्रूव करती है। हाँ, सेनस अब ये तुम जरूर बोलो। करती है, सेनस ये जरूर प्रूव करती है कि जो कहानी है ये अपोक्रिफा अकाउंट है जो कि फेरी टेल से, ये सेनस प्रूव करती है। तो फेरी अब मेरी टेल आ बात गई कुरान के अंदर, मुझे बताओ ये फेरी टेल कुरान के अंदर कैसे आई? आदम भाई, लेट मी स्पीक। अब मेरी बात है, तो तुम कह रहे हो साइंस ये साबित कर चुके हैं कि कोई भी मखलूक ऐसी नहीं है कि जो पूरे समंदर का पानी पिए। अब जवाब सुनना साइंस, हाँ आपने कहा जी, कोई भी मखलूक जिन इज नॉट, साइंस नीदर प्रूव नीदर डिस्प्रूव जिन। तो जब साइंस को पता ही नहीं है अबे जिन का कंसेप्ट क्या गधे है। गधे गधे, पानी तो फिजिकल ऑब्जेक्ट है ना। यस, पानी। अब मेरी बात सुनना, अब मुझे अगर मैं बता तुमसे कौन सी साइंस प्रूव करती है कि के पूरे एक कोई समंदर हूँ, पूरे दरिया का पानी एक खत्म हो जाए एकदम से? सो यू फाइंड दिस इलॉजिकल, यू फाइंड दिस इलॉजिकल। इट अबे इज साइंस इलॉजिकल। नहीं, ओके इलॉजिकल नहीं ओके सर, नहीं ओके, सर, इलॉजिकल नहीं, बट सॉरी। ओए चुप कर बे, इधर सुन, मुझे तूने सेनस से प्रूव करना है कि एक दरिया का पानी एवरी सेवंथ डे में सूख जाता है और फिर दोबारा आ जाता है, ये तूने सेनस से प्रूव करना है। सेनस तू लाया, मैं नहीं लाया। लॉजिकल ओके इलॉजिकल की आदम बात नहीं हो रही, सेनस की भाई, बात हो रही है। ओके आदम, मुझे भी बोलने दो। सो यू वांट दैट आई हाउ कैन आई प्रूव दैट डिसअपीयरेंस ऑफ द वाटर। लेट मी स्पीक आदम। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं इंसान हूं, मैं 1 सेकंड में गायब हो जाऊं, इज दिस इलॉजिकल और लॉजिकल? अबे गधे, तूने सेनस से बताना है। सेनस तू लाया, मैं नहीं लाया। मैं साइंस को बता रहा हूँ यार, मैं 1 सेकंड में, मेरी देखो बात सुनो ना, मैं सेनस साइंस, जब जब होएगा तो बताई। सेनस जो है ना, मैं इफ तुझे, एल्स पे नहीं चलता जब तक वो थ्योरम प्रूव ना हो। लिहाजा अब मुझे यस यस, सेनस से बता कि दुनिया में ऐसा कौन सा दरिया था जिसका पानी हर 7वें दिन सूख जाता था। सेनस से साबित कर दे, मैं तेरी बात मान लेता हूँ। फिर सेनस हाँ पे आ गया तू। खूबसूरती मैं तुम्हें अब साइंस की खूबसूरती सुनाता हूँ। ध्यान सुनना आदम, ध्यान से सुनना। तुमने कहा ना कैसे ये डिसअपियर हो सकता है, अब उसको छोड़ो, उससे भी ज्यादा नहीं, लॉजिकल अगर, गधे के बच्चे, मैंने ये नहीं कहा कैसे डिसअपीयर, मैंने कहा सेनस से साबित कर। हाँ अच्छा चलो उसी को साबित करते हैं। साबित कर। आदम, तुमने क्वांटम फिजिक्स का कभी कंसेप्ट सुना है? बिल्कुल, सुना कुरान में नहीं है। हाँ, कुरान में नहीं है। चलो कुरान में नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम फिजिक्स, एक बंदा विद इन द मिली सेकेंड्स इट कैन अच्छा, टेलीपोर्ट। ये बंदा यस यस, यहाँ पे गायब हो सकता है और दुनिया की किसी भी जगह वो एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा ये यस। इस पे काम चल रहा है, इस पे काम चल रहा है। अबे सैनस से समुंदर का पानी का गायब तो साबित करना। अरे मैं साबित कर सकता हूं, तुम्हारी ये कन्वेंशनल फिजिक्स यहाँ पे नहीं चलेगी। अबे मैं उसके गधे, आऊ यहाँ पे थ्योरम फिजिक्स की बात नहीं हो रही, ये हिस्ट्री है। जो सैनस में एक ब्रांच है जिसको कहते हैं हिस्ट्री, जिसको यार, कहते हैं हिस्ट्री इज नॉट द ब्रांच हिस्टोरियन, ऑफ साइंस जो यार। हिस्टोरियंस ने क्या, वेरीफाई किया, वो बता सैनस से। हाँ मैं बताता हूँ ना, मुझे बोलने तो दो। पहली बात, तुमने कहा हिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, अरे ये बात क्या कहा सुन, तुमने? बात सुन, हिस्टोरियन सारी साइंस के थ्रू सारा कुछ करते हैं, विदाउट साइंस नहीं करते। दे हैव द साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग। दे हैव द वाटर, दे हैव द रॉक्स, दे हैव द स्टडी ऑफ द साइंस जो के आपको तमाम रॉक्स के ऊपर वाटर के असरात दिखाती है। वो सारा कुछ सेनस से होता है। बिफोर द सेनस ये चीज पॉसिबल नहीं था कि हम दरियाओं के रास्ते बदलते हुए वेरीफाई कर सके। सेनस ने ही हमें बताया है कि दरिया पहले यहाँ पे बह रहा था, अब यहाँ पे बह रहा है। मुझे बता कि कौन सी सेनस ने आज तक ये चीज साबित किया है, और मुझे क्वांटम फिजिक्स ना दे, मुझे सेनस दे। क्वांटम फिजिक्स आल्सो इज आल्सो साइंस। अब तुम ये कह रहे हो कि मुझे बेसिक साइंस से समझाओ। अरे यार, ये जो तुम कह रहे हो ना, डिस
अच्छा यार, जा यार, काफी मजाक हो गया यार साहिल, सीरियसली स्पीकिंग, कॉन्डम फिजिक्स ऐसे को समझाना यार हद हो गई है यार, तुम लोग क्यों जुड़ते हो, ये लोग बेवकूफी कर सकते हैं यार एडम, यार साहिल क्या बोलूं मैं यार, मारो मुझे मारो। क्वांटम फिजिक्स से ये आदमी के गायब होने का बताएगा सर, आदमी के नहीं पूरे के पूरे समुंदर का, दरिया का बाय द वे। अरे आदमी के गायब होने का बता दे भाई कि आदमी गायब हो जाएगा। सर वो उसने कहना जी अभी ये थ्योरी है, जब हो जाएगा तो मैं आपको साइंस प्रूव कर दूंगा। वेस्ट ऑफ टाइम सर, जितना भी टाइम अभी तक वेस्ट हुआ है सवाए पहले बंदे के साथ। सर जहूरा मोहम्मद आया जी सर, सर जी हमसायों का इंटरनेट यूज करके आया करो यार। हाँ हेलो सर, मुसलमान है मुसलमान हो सकता है यार, सुना दो शराब कितनी पी हुई है मेरे को नहीं चढ़ाए, एक बार और जुड़ा था आप, देखो साहिल भाई थे, याद है आपको? नहीं याद आ रहा है? नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, सबसे पहले इंटरनेट सही करो। हाँ इंटरनेट सही कर, अच्छे इंटरनेट से ज्वाइन कर। अच्छा अच्छा हेलो, सुनो ना सर जी, नेट तो अभी अपना यही है। हेलो एडम भाई कैसा है आपसे? राकेश साहब अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर राकेश, मिस्टर राकेश अनम्यूट कीजिए। राकेश साहब अगर आपने अनम्यूट ना किया आप ब्लॉक हो जाएंगे। 5 4 3 ओके, गो ट्रू साइड, मिस्टर गो ट्रू साइड अनम्यूट कीजिए सर। 5 4 3 2 1 बाय बाय। मिस्टर अली फैसल, मिस्टर अली फैसल, फैसल अली, हेलो जी, हेलो क्या हाल है सर? आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है सर। साहिल भाई मुसलमान है सर? एक्स मुस्लिम हूँ, जब ये टर्म पॉपुलर नहीं था तब से हूँ, मतलब आपका चैनल भी नहीं था तब से। जबरदस्त सर, आपने अपना चैनल बनाया? क्या बनाया? अपना चैनल बनाया? नहीं 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 नहीं, ये इतने से काम नहीं करते, हम तैयारी करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं अपनी नॉर्मल जिंदगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आयतल कुर्सी सुना दे। आयतल कुर्सी तो याद नहीं किया, सूरह रहमान सुना दो। सूरह रहमान सुना दे। अर रहमान अल्लामा कुरान खलकल इंसान अल्लामहुल बयान अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वल नजमु वश्शजरु यस्जुदान वस्समा रफाहा ववदअल मीज़ान अल्ला तक़्वल फिल मीज़ान وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْفِرُ الْمِيزَانِ پوری سنانا پڑے گا 56 آئے تھے اور کچھ سنا دیں سر، کافی زیادہ غلط میں بول گئے ہیں بیچ میں، لیکن چلو ٹھیک ہے جی سر، کیا کہنا چاہتے ہیں جلدی سے اپنی سٹیٹمنٹ رکھیں جی۔ نہیں میں بس اپنا ایکسپیرینس جو کس طریقے سے باہر آیا میں اس طریقے سے بتانا چاہتا تھا سر، اس کے لیے سر یہ چینل نہیں ہے، وہ ہم اس کے لیے جو ہے نا آپ ساحل صاحب سے رابطہ کیجیے گا ان کے واٹس ایپ نمبر پہ، وہاں پہ آپ کو پورا پورا موقع دیا جائے گا۔ واٹس ایپ نمبر تو میرے پاس ہے نہیں۔ ساحل بھائی کے چینل پہ جائیں، ان کے اسکرول میں چل رہا ہوتا ہے واٹس ایپ، چینل پر اسکرول میں۔ ٹھیک ہے چلو، میں نے کمنٹ میں بھی یہ پوچھا تھا آپ سے کہ میں کس طریقے سے اپنا آپ کو شیئر کروں۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر، آپ ساحل بھائی کے چینل پہ بیٹھیے گا، وہ آپ کو پورا پورا اسپیشل موقع دیں گے، اور وہاں پہ جا کے آپ اپنا پوری کہانی بتائیے۔ پر ساحل بھائی میں نے دیکھا آپ بہت زیادہ مسلم کے خلاف بولتے ہیں کہ آپ کو صرف اسلام کے خلاف بات کرنی چاہیے، آپ مسلم کے خلاف بھی ہے، مطلب جو ہندو آپ سے بہت کچھ ہوتے ہیں سوچتے کہ آپ مسلم کے خلاف ہیں، جبکہ میں مسلم کے خلاف نہیں ہوں، میں مسلم کے خلاف نہیں ہوں، تم بھی جو ہونا مجھے لگتا ہے جے بھیم کے بندے ہی ہو، دفعہ ہو جاؤ۔
پاگل کا بچہ, میں نے ہزار دفعہ کہا ہے کہ آئی ایم ناٹ اگینسٹ مسلمز, آئی ایم اگینسٹ اسلام. ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ کہا ہے, بے وقوف جاہل. میدا جی بہت بہت دھنیہ واد, آپ نے 5 ممبر شپس گفٹ کی ہیں, تھینکس الاٹ, اور بہت بہت دھنیہ واد آپ کا. ہاں بھائی شرابی واپس آیا تو, کتنے پیک لگائے ہوئے آج؟ السلام علیکم. وعلیکم شراب. میں پیک نہیں لگایا ہوں آئٹم بھائی, آپ غلط بول رہے ہیں. ہم لوگ تو آپ کی تعریف کرتے کہ آپ کوئی ہرا نہیں سکتا, اور آپ ہم لوگ کے بارے میں ایسا سوچتے. یار تم نے جو آخری دفعہ جو بات کے نہیں کہہ کے چلے جاؤ اور یوٹیوب سے دیکھ لو, اچھی بات ہوگی نا. हेलो. हाँ जी. हेलो यार, जो आखिरी स्टेटमेंट रखनी है रखो और यूट्यूब से जाके देख लो. तौबा यार, सीरियसली स्पीकिंग. नारायण साहब, सर आपने इस्लाम का कबूल किया हजरत? जी सर, कब इस्लाम? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं हजरत, मैंने इस्लाम नहीं कबूल किया है. जो लिंक क्लिक किया उस पर लिखा हुआ था ना मुस्लिम ओनली. अरे सर मैं एक बात करना चाहता था, जैसे एक लड़का है सुनील नाम, आपने ब्लॉक होना है? आपने ब्लॉक? नहीं नहीं सर, ब्लॉक नहीं होना है. हेलो. तो सर जो मुसलमान है उसको लाएं और उसका नाम लिख के आए कि मुसलमान मेरे साथ है. मैं सर अगली स्ट्रीम में लेके आऊंगा उसको. तो फिर तब आना, इस वक्त नहीं आओ, इस वक्त नहीं आओ, निकल जाओ, ब्लॉक हो जाओगे. ठीक सर, ठीक सर, बड़ी मेहरबानी. नो ट्रबल साहब, मुसलमान है आप सर? اوکے نہیں ہے. زبیر قریشی صاحب. ہاں جی زبیر قریشی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الجنۃ الحرام والدوزخ الحلال. جی سر. یار میں نے سلام کی تم پر, تم نے کیا جواب دیا یار؟ وعلیکم السلام. الجنۃ الحرام والدوزخ الحلال. یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ عربی نہیں آتی آپ کو؟ مطلب کیا دوزخ, یہ کیا دوزخ جہنم, یہ کیا, یہ کیا لا دیا اس میں؟ سلام تو سمپلی سلامتی کہتے ہیں, تم نے دوزخ لا دیا اس میں. میں نے کہا جنت الحرام والدوزخ الحلال. کیا اس کا مطلب؟ اس کا مطلب ہے آپ کو بھی سلامتی ہو اور آپ کے اوپر جنت حرام ہو اور دوزخ حلال ہو. جی سر. ساحل بھائی, اچھا یہ آدم بھائی, اس کو بالکل اپنے آپ پہ اپلائی کیجئے, بہت مست رہے گا. نہیں سر, یہ ہر مسلمانوں کے لیے اللہ میں نے کہا ہوا. او مائی گاڈ, آپ دکھا سکتے ہیں کیا؟ اگر میں دکھا تو اسلام چھوڑیں گے؟ بالکل نہیں چھوڑیں گے. مجھے دکھا, آپ مجھے دیکھنے کے لیے دکھانے, پھر دکھانے کا فائدہ؟ کیونکہ یہ کیا کہا آپ نے, مطلب آپ پہ دوزخ حلال ہو اور جنت حرام ہو, یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے آپ کو. اللہ کہتا ہے کہ وہ ہر کسی کو جہنم میں ڈالے گا اور پھر جس کو چاہے گا نکال لے گا اور جس کو چاہے گا نہیں نکالے گا. تو تم اس کے حساب سے تم کہہ رہے ہو ہر کوئی مسلمان دوزخ میں جائے گا؟ بالکل, اللہ کہتا ہے ہر کوئی, ایوری ون. مطلب ہر کوئی مسلمان جہنم میں جائے گا, تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ الحمدللہ. جی سر, قرآن کہتا ہے آپ کا, میں کیا کروں؟ ذرا دکھائیے. اگر میں دکھا دوں اسلام چھوڑو گے؟ بالکل نہیں چھوڑیں گے. تو پھر فائدہ آپ کو دکھانے کا, آج کے ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں. کیونکہ یہ کیا کہا تم نے, ہر کوئی مسلمان دوزخ میں جائے گا؟ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. سر یہ میرا قصور نہیں ہے نا, آپ کا اللہ کہتا ہے, اگر آپ نے نہیں پڑھا میرا قصور ہے. اچھا اچھا ایڈم, کیا بولا؟ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. کیا بولا انہوں نے؟ انہوں نے کہا اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. ہاں تو دکھانا پڑے گا. نائس کیچ, نائس کیچ. تو اگر کوئی اس طریقے سے کہتا ہے تو وہ نان سینس بات ہے, رائٹ بھائی؟ یہ کیا ہے, مطلب ہزاروں سالوں سے مسلمان ورشپ کر رہے, تم کہہ رہے ہو ہر کوئی مسلمان جانے, سمجھ گئے؟ تو یہ نان سینس بات ہے نا, اگر کوئی اس طریقے سے کہے کہ سب کو جہنم میں ڈالے گا. ہاں ہے نا, مطلب اس میں اتنا سینس نہیں ہے. ہاں تو نان سینس ہے نا. سمجھ لو. ہاں تو اگر آپ کو یہاں بتایا جائے گا, پھر آپ بولو گے کہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے اور جس نے وہ لکھوایا ہے یا بھیجا ہے وہ نانسنس آدمی ہے یا نانسنس انٹیٹی ہے, بولو گے؟
तो पहले आप मुझे दिखाएंगे उसके बाद हम देखेंगे। आ, दिखाने के बाद आप नॉनसेंस बोलोगे ना? हो सकता है बोलूंगा। हो यार स्टैंड क्यों चेंज कर दे तो आप यार, से आपके जज्बात चेंज हो जाते, वक्त बदल जाता है। जो तुम्हारा जो स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल सेंस ही नहीं रख। तुम कह रहे हो वही तो नॉनसेंस बोल देगा ना भाई, तू बता देंगे तो। अच्छा चल दिखा दिखा। अरे यार तुमको पहले ये क्यों बोलना पड़ता है? अगर बताने के बाद अगर तूने नॉनसेंस नहीं बोला तो तू दस बाप का। ठीक है चलो एडम दिखा दो इसको। और तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जो इस पर वरा ना होगा और ये आपके रब का हतमी फैसला है। तुम में से कोई भी नहीं है जो इसके अंदर जाएगा नहीं, इस पर वरा ना होगा, ये आपके रब का हतमी फैसला है। और फिर हम बचा लेंगे, अल्लाह कह रहा है, फिर हम बचा लेंगे इन्हें जिन्होंने तकवा की रविश अख्तियार की हो, और छोड़ देंगे जालिमों को इसी में घुटनों के बल गिरे हुए। जी जनाब, अल्लाह कह रहा है मैं हर बंदे को जहन्नम में डालूंगा, वरा करूंगा, और फिर निकाल लूंगा अपने मुत्तकियों को, तकवा वालों को, और बाकी जो जालिम है उसको इसी में छोड़ दूंगा। सर आपका कुरान कह रहा है, आप बोलेंगे ये नॉनसेंसिकल है, स्टूपिड है, इडियोटिक है। रुको जरा सबर करो, ऊपर थोड़ा इससे पहले वाली आयत फिर से आप रिपीट करें। जी सर, अल्लाह कहता है तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जो इस पर वरा ना होगा। एक मिनट मैं खुद पढ़ लेता हूँ। एक मिनट एंड देयर इज नन ऑफ यू एक्सेप्ट ही विल कम टू इट, दिस इज अपॉन योर लॉर्ड एंड inevitability decreed. तो तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जो इस पर वराना हो। वराना का मतलब क्या होता है? जाएगा नहीं, दाखिल नहीं होगा, अंदर नहीं घुसेगा। वराना हो, ये आपके रब की हतमी फैसला है। हतमी का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट, इनएविटेबल, जो आपने अंग्रेजी में पढ़ा, लाजम होने वाला फैसला। And there is none of you except he. यही कौन है? लोग, तुम लोग। वो अंग्रेजी है, छोड़ दो ना यार, तुम अंग्रेजी को छोड़ दो। तुम अंग्रेजी तुम जानते नहीं, उर्दू पढ़ो ना जो जानते हो। अंग्रेजी क्यों यार, तुम अंग्रेजी अंग्रेजी तुम पढ़ना नहीं जानते, बोलना नहीं जानते, तो वो पढ़ो ना जो पढ़ना बोलना जानते हो। अरे यार उर्दू पढ़ो तो रहा हूँ ना, एक एक वर्ड तो यहाँ पे बहुत सेंसिटिव टॉपिक का बोल रहे हो यार, बोल रहे ये मत पढ़ो। कुरान उर्दू में आया, अंग्रेजी में आया था, ये अरबी में। सेंसिटिव टॉपिक हो गया साहिल भाई, सेंसिटिव टॉपिक हो गया यार ये। सेंसिटिव ना तो बोलना पड़ेगा ना भाई, भाई ने तो दस बाप के साबित होंगे। उर्दू पढ़ लेना जुबेर भाई। ये एक्सेप्ट ही कौन है? ही कौन है? हर कोई। तो ये कह रहा है ना एक्सेप्ट ही, तो हाँ अबे वो अंग्रेजी है गधे, अंग्रेजी उसे छोड़ दे, अरबी देख ले, ये देख। इन मिनकुम इल्ला वराहा, कोई नहीं है जो इसके अंदर वराहा नहीं होगा, जो इसके ऊपर से नहीं गुजरेगा, ऊपर से गुजर जाएगा, एक्सेप्ट, क्योंकि ये आपके रब का हतमी फैसला है। तो सर आप ऐसा करते हैं ना आदम भाई, तुम ये क्या, हम ऐसा जो करते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इसकी तफसीर पढ़ लेते हैं, राइट? अरे यार पहले आयत तो क्लियर करे, जब आयत क्लियर नहीं है तो तफसीर में क्या है? आयत कंप्लीटली क्लियर है कि तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसमें मराना होगा, ये आपके रब का हतमी फैसला है। सुनो, और अगली आयत कहती है फिर हम बचा लेंगे, किससे बचाएगा? अल्लाह जहन्नम से बचाएगा इन्हें जिन्होंने तकवा किया, और छोड़ देंगे जालिमों को इसी में। तुमको कैसे पता जहन्नम से बचाएगा फिर? क्योंकि कॉन्सेप्ट ये चल रहा है ना, और किसमें डाल रहा है अल्लाह मरेमों को, ये देखो ऊपर लिखा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? चुप बे साले, हम जरूर छांट कर निकाल लेंगे हर ग्रोह में से हर एक शख्स को जो इनसे ज्यादा सख्त था रहमान के खिलाफ सरकशी में। फिर हम खूब जानते हैं इन लोगों को जो इससे पहले दाखिल होने के लायक होंगे, यानी कि जो किधर दाखिल होने के लायक होंगे, जहन्नम में। वर्दी ऑफ बर्निंग देयर इन, Who we are most knowing of those who most worthy of burning therein. हमें पता है कि इसके अंदर जलने वाले
وردی لوگ کون سے ہیں, کون ہے جو کہ لازمن اس کے اندر جلنے کے لائق ہیں, ٹھیک ہے, انگریزی پڑھ لی, اور پھر کوئی نہیں ہے جو کہ اس کے اندر نہیں گھسے گا کیونکہ یہ تمہارے لارڈ کا فیصلہ ہے, یہ کوئی نہیں ہے جو اس میں ورانہ ہوگا, یہ آپ کے رب کا اتمی فیصلہ ہے. پھر اگلی آیت, اور پھر ہم بچا لیں گے انہیں جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی اور چھوڑ دیں گے ظالموں میں اسی میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. ساحل بھائی کانٹیکسٹ بھی دکھا دیا, ابھی تفسیر دکھائے بغیر سب تو دکھا دیا بھائی, میں خود سے پڑھنا چاہتا ہوں ایک بار, پڑھ لینا بھائی یار دکھا سکتے. ارے تم نے بھی چار پانچ دفعہ پڑھ لی ہے, اب تم جو ہونا سمپل سی بات بتاؤ, یہ کتنی اللوجیکل بات ہے, جب میں نے کی تو اللوجیکل ہے, اللہ کر رہا ہے تو آپ نے 500 بار پڑھنا. یار تم نے, میں تم سے پوچھ رہا ہوں اس ورڈ کا میننگ کیا ہے, تم کلیئرلی بول ہی نہیں رہے. میرے پاس میننگ نہیں ہے, اب سوری دفعہ ہو جاؤ, سٹریم یارڈ سے باہر نکلو جا کے اپنے اسکالر سے پتا کر کے آؤ, اور جب میرے پاس آ جاؤ گے تو تم سے بات کر لیں گے, ٹائم ویسٹ کرنے کا ٹائم نہیں میرے پاس. بولتا ہوں میں ایک منٹ رکو, ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں, آرام سے نہیں پڑھنا میں نے. تو کیا میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں, قرآن ہے زبیر صاحب آپ کے گھر میں, قرآن ہے لیکن وضو نہیں کیا میں نے, وضو کرنا پڑے گا پھر. ہاں تو جاؤ فٹافٹ وضو کر لو اور لے کے پڑھو اس پہ, جب پڑھ لو گے تو آ جانا. یار کیوں انکمپلیٹ ٹاپک چھوڑ رہے ہو تم نے, بات انکمپلیٹ نہیں ہے, ساری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے, تم سمجھ آپ ملے گا, ویسٹ آف ٹائم ہے. زبیر صاحب ثواب ملے گا, جب فٹافٹ وضو کر لو رات کے ٹائم پہ, مشقت اٹھاؤ گے اللہ کے لیے تو ثواب ملے گا. فٹافٹ جاؤ وضو کرو اور اپنے گھر پہ قرآن میں کھول کے دیکھو کہ کیا لکھا ہوا ہے, چاہیے تو دو منٹ آپ بیک سٹیج میں رک جاؤ, جاؤ پانچ منٹ کا ٹائم دیا یہ تمہیں بیک سٹیج میں روکا ہوا ہے, جب پڑھ کے آ جاؤ گے تم سے بات کر لیں گے.